सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज़लाइन कोलकाता। गज़ल सनवरी स्वाति बर्धन। आज ज्ञान मंच में गज़ल गीत दोहा एंड पोएट्री जैसे प्रोग्राम का इंतखाब किया गया, जहां उपस्थित थे चीफ गेस्ट के तौर पे मुरलीधर शर्मा, आईपीएस जॉइंट कमिश्नर ऑफ कोलकाता पुलिस, क्राइम ब्रांच विजेंद्र शर्मा सेकेंड इन कमांड, HQSPL DG BSF ईस्टर्न कमांड। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे उपस्थित थे डॉक्टर ध्रुवा रॉय गायनोकोलॉजिस्ट, डॉक्टर पार्थ सराथी चक्रवर्ती ग्रुप CEO ऑफ MCKV ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उमा झुंझुनवाला डायरेक्टर ऑफ द लिटिल थेस्पियन थिएटर ग्रुप एंड पोएट्स। आइए देखते हैं क्या कहना तमाम चीफ गेस्ट ऑनर गेस्ट और स्वाति वर्धन का न्यूज़लाइन कोलकाता के माध्यम से। नमस्कार, शुभ संध्या। थोड़ा हिंदी में, थोड़ा उर्दू में, थोड़ा बांग्ला में, थोड़ा इंग्लिश में। जैसा इन्होंने पूछा कि डू आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ पोएट्स, नो आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ पोएट्स। बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा। इन वन ऑफ द इंटरव्यू, इनफैक्ट एंड आई वॉज बींग इंटरव्यू बाई, को मैं मिल गया, वो अपने शेर व शायरी मुझे सुनाते रहते थे और मैं सुनता रहता था। और उसके बाद मैं आई वेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी, देन JNU में बहुत सारे उर्दू के स्टूडेंट मिल गए, उनके साथ में करते करते मुझे मतलब थोड़ा उर्दू का और शौक हो गया। अब देखिए, बहुत ही बेहतरीन था। स्वाति जी बहुत अच्छे गज़ल सिंगर हैं और इनसे मेरा जो रابطہ हुआ विजेंद्र जी के माध्यम से हुआ। और ये ऐसा बहुत प्रोग्राम मैंने अटेंड किया है कि जहाँ पे आप जो गज़ल गायक हैं वो गज़ल गा रहे हैं और आप उनको सुन रहे हैं। बट इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है जो काबिले तारीफ़ है, वो ये है कि इन्होंने पोएट्स को बुलाया है जिनकी गज़लें इन्होंने गाई हैं। तो ये अपने आप में रादर मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने जो है ये सम्मान हम लोगों को दिया। सर, बेसिकली आज के मॉडर्न ज़माने में लोग देखिए, हर ज़माने की हर ज़माने में जो है एक तरीके के टेस्ट जो हैं लोगों के डेवलप होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि लोग ऐसे नहीं होते हैं कि जो गज़लों को नहीं सुनेंगे। अब स्वाति जी ने जो गज़ल्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किए हैं, आप देख रहे होंगे उन्होंने नए तरीके से गज़लें गाई हैं। एक ज़माना था गज़लें जो हैं वो ठुमरी के स्टाइल में गाई जाती थी, अब इन्होंने जो है गज़ल के साथ में भी एक्सपेरिमेंट किया है। आपने कोक स्टूडियो का सुना होगा, अब तो इस तरीके से जो है वो म्यूज़िक के साथ भी एक्सपेरिमेंटेशन होते जा रहे हैं। तो और मेरा अपना मानना ये है कि देखिए, गज़ल जो है वो गज़ल एक ऐसी चीज़ है जिससे जो लोग जो गज़ल को पसंद करते हैं वो हर जनरेशन में आपको मिलेंगे, उनकी कमी नहीं होगी, वो ऐसे ही सुनते रहेंगे। बाकी आप विजेंद्र जी से पूछिए। नहीं ऐसा, फिर आप पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हैं हालात से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गज़ल ने अपनी ज़बान ज़रूर बदली है, बाकी आप सोशल मीडिया को देखिए, आप एक रेख्ता साइट है और तमाम लोग बहुत बहुत जुड़े हैं लोगों से। ऐसा नहीं है, गज़ल के शदाई जो हैं, गज़ल से मोहब्बत करने वाले, वो पहले से ज़्यादा हैं अभी इस तौर में। एक चीज़ ज़रूर है कि पहले लोग मशक्क़त बहुत करते थे, मश्क करते थे, अपने आप में मेहनत बहुत करते थे। आज का जो बच्चा है, वो जो नई यंग जनरेशन है, वो चाहती है कि एक दिन में ही मैं मीर और गालिब हो जाऊँ। वो उनको थोड़ा सा तपस्या की ज़रूरत है, रियाज की ज़रूरत है। आप गज़ल की किस पंक्ति? गज़ल से तो मोहब्बत करता हूँ, जबकि गज़ल और दोहा कोई मोटे तौर पे क्या है, कोई बुनियादी फ़र्क यही है कि गज़लें लगती फूल सी, दोहे जैसे तीर, दोनों की तासीर में एक दो मिसरों में दास्तान, दोनों की तासीर, यानी कि दो मिसरों में पूरी दास्तान कहने का जो फ़न है वो अल्लाह ने गज़ल और दोहों को दिया है। सर, आखिरी सवाल आ रहा है। नहीं, इन्होंने छेड़छाड़ तो नहीं की, इन्होंने इजाफा किया है। नहीं नहीं, वही छेड़छाड़ इन दैट सेंस। हाँ, तो मैं आपने सुना हो पहले कबीर के दोहों को बड़ी फिल्मों में भी गाया गया,
और निदा साहब के दोहों को जगजीत साहब ने एक अलग अंदाज से गाया। और सर से मैं बात ही कर रहा था, एक नया मैंने ज़िंदगी में आज पहली बार देखा, सैक्सोफोन को दोहों में इस्तेमाल करना ही काबिल तारीफ़ है, तो इन्होंने इजाफा किया है। वो हिम्मत की बात है, ये सारे इतने लर्नेड पोइट्स हैं तो उनके सामने गाना, हाँ गलती तो किए होंगे लेकिन हिम्मत भी है उनके सामने गाने की, सिर्फ गानों को डिलीवर करना था। लेकिन हाँ, दिली दिल में थोड़ा सा डर भी था, कई गलतियाँ ना हो जाए प्रोनाउंसिएशन में, गानों में नहीं प्रोनाउंसिएशन में, जो वो लोग उर्दू जानते हैं तो मैं सीख रही हूँ, वो लोग जानते हैं, वो जान चुके हैं बहुत कुछ, और मैं थोड़ा बहुत इधर उधर से सीख रही हूँ, कोशिश करती हूँ। गज़ल को आप आगे कैसे बढ़ाएंगे? गज़ल को ऐसे मैं कंपोज करके देखते हैं, सब जो यंगर जनरेशन है थे कम ही है, फ्यू ऑफ देम लाइक वो लोग सुन रहे थे, तो वो जैसे गज़ल के साथ, लेकिन वो लोग है जो मैं बोलना चाहूँगी, बींग फ्रॉम द स्टेट वेस्ट बंगाल वेर गज़ल इज़ ट्रीटेड एज एन एलियन समथिंग, एलियन म्यूज़िक, सो वहाँ पे गज़ल गाना मेरे लिए, मैं कहूँगी अपनी बहुत हिम्मत है, मैंने ऐसे प्रोग्राम को रखा, लोग आए नहीं उतनी लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग आए हैं, पोएट्स आए हैं, मैं खुश हूँ उनमें से, जो लोग समझदार है वो लोग आए हैं, मैं खुश हूँ। तो वेस्ट बंगाल में गज़ल को ऐसे गाना शायद मैं ही फर्स्ट हूँ, ऐसे गज़ल को कंपोज करके गाना, बाहर स्टेट में गाते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन वेस्ट बंगाल में ऐसे गज़ल को गाना, हम तो कहेंगे दिस इज़ आई एम द फर्स्ट वन हु इज़ डूइंग दिस, एंड जो भी कोई गाता है यहाँ पे समझ के बिना गाते हैं गज़ल को, हम थोड़ा कोशिश करते हैं समझ के गाने के लिए, और यही कोशिश रहेगी, तो गज़ल को समझने में, वर्ड्स को समझने में मेरी कोशिश रहती है। वो मेरे हाथ में कुछ नहीं, जब आता है देता है तो वो ऊपर वाले देता है, वो कैसे करती हूँ मुझे भी पता नहीं। तो एक गाने को तीन बार, जैसे मैं स्टूडेंट डिसाइपल हूँ विदुषी शिप्रा बोस की, विदुषी पूर्णिमा चौधरी की, मैं देखती थी विदुषी शिप्रा बोस के पास गाना सीखने जाती थी, तो एक गाने को चार बार गाती थी वो, चारों तरफ मतलब चारों, जब चार जन को देती है डिफरेंट कॉम्पोजिशन, वो भी कंपोज करती थी, लेकिन उसकी वो उसमें समझ में नहीं आता, गाना कितना सीखा पता नहीं, लेकिन वो समझ में आ गया कि एक गाने को इस तरीके से सोचा भी जा सकता है, तो मे बी दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कैसे सोचते हैं। और मैं पढ़ती भी हूँ बहुत कुछ, सारे बुक्स पढ़ती हूँ, जैसे एडवर्ड डे बोनो के किताब पढ़ती हूँ, लैटरल थिंकिंग, तो कैसे किया जाता है वो लोग, तो मुझे समझ में आता है कि वो कैसे किया जाएगा, वो कंपोजिशन क्यों होता है, क्यों करते हैं, तो ये क्यूरियोसिटी से मैंने ये किया है, तो इट्स एन एक्सप्लोरेशन ऊपर वाला। डिड यू मिस समथिंग टुडे, किसी को आप मिस कर? माय हस्बैंड, बस दैट्स इट। I missed my husband and he is the presenter of the show and I missed my husband. I मैंने उनके लिए गाना भी लिखा, बहुत कुछ लिखा है उनके सोच के, लेकिन ठीक है, he is my inspiration. गाना गाओ, जाते वक्त बोल के गए थे गाना गाओ, गाना गाने के साथ जुड़े रहो, तो मैं वही कर रही हूँ, तो मैं खुश हूँ।